हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मारुति सुजुकी वैगनार के बारे में। वैगनार जो है एक ऐसी गाड़ी है मारुति की जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। अगर बात करें इस गाड़ी की सेल्स की तो ये गाड़ी जो है 2013 से लेकर 2023 तक इस गाड़ी की टोटल 18,33,000 यूनिट बिक चुकी है। अभी हमारे पास में इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट जो कि है इसका सेकेंड बेस्ट वेरियंट VXI वेरियंट। इस गाड़ी के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1 लीटर का इंजन और एक 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन। LXI और VXI के अंदर 1 लीटर वाला इंजन आता है और अगर आप ZXI और ZXI प्लस लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 1.2 लीटर का इंजन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। अभी हमारे पास में इसका VXI वेरियंट है जिसका शोरूम प्राइस है 6 लाख रुपये। और अगर आपको जो है मारुति की कोई भी कार देखनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओशियन मोटर्स पली डबल चौक इंदौर को। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की कि आपको जो है 6 लाख रुपये एक शोरूम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर हेलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर बड़ा सा हेलोजन के अंदर इंडिकेटर मिल जाता है। फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते, फॉग लैंप एक्सेसरी का पार्ट है और ये क्रोम गार्निश भी इसमें एक्सेसरी में लगी हुई है। कुछ इस तरीके की आपको इस गाड़ी के अंदर ग्रिल देखने को मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर जो है नीचे की ग्रिल कुछ इस तरीके की मिल जाती है। ओवरऑल जो है फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया सा देखने में लगता है, मतलब कई लोगों को ये जो लुक्स है वो काफ़ी पसंद आते हैं इस गाड़ी के, मुझे पर्सनली इसके लुक्स खास पसंद है नहीं। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके का लुक हो जाता है इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर 14 इंचेस के स्टील रिम मिल जाते हैं, व्हील कैप भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, आगे की तरफ डिस्क और पिच की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 165 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो है फेंडर पर इंडिकेटर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है और ORVM जो है आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं जो कि ये काफ़ी बढ़िया बात है। और डोर हैंडल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के डोर हैंडल आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके का रियर प्रोफाइल हो जाता है इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर वॉशर डिफॉगर कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं मिलती है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, वैगनआर की बेजिंग इसके अंदर दी गई है और यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर हेलोजन टेललाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ पर जो है इसके अंदर इंडिकेटर और रिवर्स लैंप काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाता है। कई लोग जो है इसे मिनी स्कॉर्पियो एन भी कहते हैं क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन की टेल लाइट्स है और इसकी टेल लाइट्स का डिज़ाइन एकदम सिमिलर सा है। दो पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है, कोई भी कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। ओवरऑल जो है रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का हो जाता है जो कि कई लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, मतलब इसी कारण जो है ये गाड़ी जो है टॉप 10 की लिस्ट में भी कई बार हो जाती है। और बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 341 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। कुछ इतना जो सीट्स है या आपकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ में आती है आप देख ही सकते हो। पार्सल ट्रे आपको इसके अंदर मिल जाती है, कोई भी बूट मैट कोई भी बूट लाइट वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। और कुछ इस तरीके का ओवरऑल इस गाड़ी का बूट स्पेस हो जाता है। और ये जो है आपके यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक स्विच दिया गया है और मारुति वाले को खेल देखो तुम, ये जो है हाइड्रोलिक इतने इसको कड़क कर दिया कि बूट लगाने में जो है कस्टमर को लगेगा कि गाड़ी भारी हो गई है। बाकी आपको जो है इस गाड़ी के अंदर 32 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, पेट्रोल इंजन के साथ में ही आती है। केवल डीजल का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं है, ओवरऑल किसी भी मारुति कार के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, इंटीरियर में जाने से पहले आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की आपको इस गाड़ी के अंदर मारुति की टिपिकल की देखने को मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो इसके अंदर दिया गया है। सेंट्रल लॉकिंग भी आपको इस VXI वेरियंट के अंदर मिल जाती है। बाकी लॉक अनलॉक करने पर आपकी जो है कुछ इस तरीके की बीप की साउंड आती है। और डोर ट्रिम की बात करें तो ऑल ब्लैक थीम में आपको इस गाड़ी का डोर ट्रिम देखने को मिलेगा। ये जो आपका सिल्वर फिनिश में मिलता है, सेटन सिल्वर फिनिश में, यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर एक ग्रैप करने के लिए मिल जाता है और कोई भी आप सिक्का विक्का भी रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। चारों पावर विंडोज आ जाती है, ड्राइवर साइड की ऑटो डाउन के साथ में आती है, लॉक अनलॉक का स्विच आ जाता है विंडो लॉक करने के लिए और ORVM को आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाते हैं और दो स्पीकर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। ड्राइवर साइड जो सीट है उसके अंदर कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का फीचर इसके अंदर नहीं मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ अपडेट्स भी है। जैसे इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन अब आ चुका है जो कि कई लोगों को ये बात पता नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट लेवलर भी इसके अंदर मिल जाता है। और इंटीरियर की बात करें तो ड्यूअल टोन फिनिश में आपको इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखने को मिलता है, मतलब ब्लैक एंड बीच के कॉम्बिनेशन में। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलेगी, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर कौन ही देता है। और यहाँ पर आपको जो है सडन फिनिश इसके अंदर मिल जाती है, सुजुकी का लोगो इसके अंदर दिया गया है। कोई भी इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स वगैरह स्टीयरिंग पर नहीं मिलते हैं।
यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स और वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी इसके जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है एक स्पीडोमीटर मिल जाता है एनालॉग, 180 तक की मार्किंग उसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है एक डिस्प्ले मिल जाती है जो जो आपका फ्यूल गेज और रेंज और ऑडोमीटर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देती है। यहाँ पर आपको जो है सारी लाइटें वाइटें इस गाड़ी के अंदर शो हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो है एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि बटन वाला है। यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जरूर इसके अंदर मिल जाती है। इसके जो है सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर भी जो है आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। बाकी यहाँ से आप जो है इस गाड़ी का जो बाहर से हवा आती है अंदर के अंदर सर्कुलेट होती है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इस गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कोई भी यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है। एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आर्म रेस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपको मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है। हेलोजन में एक लाइट मिल जाती है। और इस साइड आपको जो है एक टिकट होल्डर दिया गया है। और इस साइड आपको जो है इस गाड़ी के अंदर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। और कोई भी किसी भी सीट के अंदर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में आपको जो है एक छोटा सा ग्लव बॉक्स इसके अंदर देखने को मिलता है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं मिलता है। एसयूवी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का मिल जाता है जो कि ठीक ठाक सा है। बाकी सीट के कंफर्ट की बात की जाए तो इसके जो सीटिंग कंफर्ट है वो मेरे हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी फील हो रही है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसा है कि मतलब पकड़ नहीं रहा है ढंग से, समझ रहे हो आप। ये अगर पकड़ ले सही से तो मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगर आपकी हाइट छोटी है फिर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील असिस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग जरूर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के रियर सीटिंग कम्फर्ट की। रियर के स्पेस के मामले में कैसी है ये गाड़ी। रियर सीटिंग कम्फर्ट की बात करें तो पीछे की तरफ आपको इस गाड़ी के अंदर जो है सेम डोर ट्रिम देखने को मिलता है। पावर विंडो का स्विच यहाँ पर भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर बोतल होल्डर दिया गया है। और स्पेस की बात करें तो स्पेस के मामले में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। नी रूम लेग रूम काफ़ी बढ़िया से मिलता है, लेकिन वही है थाई सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी कम मिल रहा है। बीच में एक बड़ा सा हम्प मिल जाता है तो 2 लोग इस गाड़ी के अंदर कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। और पीछे जो है आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और जो सीट बेल्ट है वो भी आपका 3 पॉइंट नहीं मिलता है, 2 पॉइंट ही मिलता है सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। और कोई भी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। एक इस साइड मिल जाता है, एक उस साइड मिल जाता है और एक आगे की तरफ मिल जाता है। हेडरूम के मामले में कोई इशू नहीं है क्योंकि ये जो हाइट है वो काफ़ी ऊँची है इस गाड़ी की। और यहाँ से डैशबोर्ड का लुक इस तरीके का हो जाता है। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की। अगर इस गाड़ी के इंजन की तो यहाँ पर जो है आपको इस गाड़ी के अंदर बोनट ओपनर देखने को मिलता है। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इस VXI वेरिएंट के अंदर 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 65 BHP की और 89 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात की जाए तो इस इंजन की जो क्लेम माइलेज है वो 24 KMPL है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा जो है ये गाड़ी बिकती है। इस गाड़ी की जो हर महीने जो है 18 से 20 हज़ार यूनिट बिकती है इसी कारण से, क्योंकि ये गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देती है। वरना लुक्स के मामले में तो ये गाड़ी खास मुझे पर्सनली जमती नहीं। कुछ इस तरीके का ओवरऑल इंजन भी मिल जाता है और इंसुलेशन भी नहीं चाहिए क्योंकि 1 लीटर का इंजन है, कितना ही वाइब्रेट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी वैगन आर के VXI वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।